माँ काली और शेरा वाली दोनों साथ में नगर कोट वाली
और भद्रकाली दोनों साथ में है। कुलदेवी नगर कोतवाली है तुम्हारी, उसका चेकारा पहले बोले करो। और जोड़े में एक काली उसके साथ, तेरे ऊपर संकट भेजा हुआ। हाँ, जब तेरी चौकी पहली बार खुली थी ज्ञानगढ़, पहली बार चौकी खुली जब संकट भेज दिया गया था उसके 10 दिन बाद ही। इसलिए महामारी चलती है तो साथ में संकट चलता है। किसी भगत बेटा किसी के सामने आई थी, किसी भगत के सामने तो खुली थी माँ जागरण में है, वहीं से बंधन लगा दिए गए थे। ठीक है, संकट भेज दिया था, माँ है पर बंधन में। बंधन में क्यों है कि संकट आगे खड़ा है और माँ को पावर नहीं मिली। ये कह देते हैं कि माँ कैसे बनेगी संकटों से, माँ संकटों से नहीं बनती, माँ को पावर भी तो चाहिए। जब तू खाएगी नहीं तेरे शरीर में नहीं लगेगा तो तू किससे लड़ लेगी, तो माँ को तेरे घर का भोग भी तो चाहिए था। वो भोग तो संकट ले रहा है, माँ खड़ी है दूर, फिर माँ में जान कहाँ से आएगी। बेटा दुर्गा रूप में और काली रूप में जोड़े से हूँ तेरे साथ, और दर्शन भी हुए हैं तेरे को। घबरा ना, तेरे साथ चल रही, घबरा क्यों रही है। इतनी दूर से तू आई थोड़ी ना, खींच के लाई, खींच के लाई हूँ, आई थोड़ी ना है। कितने दिन से तैयारी हो रही थी आने की, बहुत दिनों से खींच के लाई हूँ आपके पास। बोल साचे दरबार की जय। और तेरे काम भी बनाऊंगी तेरे जरिए, तेरे ही चीज पे खेल के। बच्ची को कभी दुख नहीं होने दो, तेरा शरीर का संकट आज से मेरा और खुशियां तेरी। साथ साथ चलूंगी तेरे साथ, सारा संकट अपने दरबार में रख लूंगी, तेरा शरीर का बिल्कुल संकट नहीं जान दूंगी शरीर में। रोना नहीं है बिल्कुल भी नहीं, आज तो मामा ही मिली है, आज तो खुशी खुशी उसका स्वागत करो। बाहर बैठ जाओ थोड़ी देर, बाहर काट लो तेरे घर में माँ दुर्गे के रूप में नगर कोतवाली चलेगी आपके बेटा। आज से नगर कोतवाली का नारियल रख रखा है घर में, नहीं रखा है ना, उसकी आज्ञा लो बच्चे, तेरे शरीर को भी ठीक रखेगी। चला के तो देख एक बार, मुझे चलाएगी जब भी तो आऊंगी तेरे घर में। ठीक है, इस टाइम नगर कोतवाली की खड़ी है, यहाँ इस दरबार की भी कुलदेवी नगर कोतवाली है। ठीक है, कोई भी शरीर में संकट नहीं रहने दूंगी, ना तेरे बच्चों पे ना तेरे घर पे। बोल साचे दरबार की जय, जयकारा दुर्गे भद्रकाली का। बोल साचे दरबार की जय।
हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। ध्यान लगा ले मामा जी, तेरे शिष्य पे चाहती हो आएगी। बेटा कभी माँ को खून दिया था कुछ? बकरा बच्चा दिया हुआ है? कभी भी कहीं भी देते थे ऊपर पर देते थे ना, जब मानी है वैष्णो में माना गिरंगी है। मेरे खून निकलेगा तो कुछ चल रहा है ऊपर देते थे, जब से नीचे लाए ना बच्चा अब भी ले गई वैष्णो रूप में, भले ही चल रही है लेकिन बच्चा अब भी ले गई। बच्चा कौन लेगी? तुम्हारी जो कुल देवी के साथ चल रही है, बच्चा देगी? सेवा में छोड़ो, भटकाओ मत, सेवा में छोड़ो। बच्चा छोड़ना शुरू कर दे सर, शरीर ठीक कर दूंगी। साल में एक बार छोटे बच्चा सेवा में छोड़ दूंगा मां तेरे, इसको ठीक रख, इसके ऊपर शीश पे खेलने की बिल्कुल रूप में अपने में दुर्गा भद्रकाली के रूप में जो मुझे बोल देगी पक्का बच्चा होगा। इसका शरीर मैं ठीक रखूंगी, मेरा काम है। शरीर बिल्कुल ठीक रहेगा, मामा भी आएगी तो शरीर ठीक रखेगी, शरीर खराब नहीं होने दूंगी। मंदिर बिल्कुल ओके बेटा, मामा का वहाँ पूरा वास है, मैं घूम आई हूँ तुम्हारे घर में ही गई थी साथ में। इतनी सेवा की है क्वांटलों के हिसाब से, देसी की जला दी उधर तो कोई नहीं, इसी हिसाब से चल भी तो रही है घर में। सुनिए और सासे दरबार की जय। चलो जय हो माँ तेरी, सदा ही तेरी जय रहे मामा जी, जय करो तेरे वाली सवाल सासे दरबार की जय, सदा ही तेरी जय हो माँ। मामाई चल रही है तो बच्चे का संकट भी तो लेके जा साथ में, जो आके खड़ा है उसको भी मेरे साथ मिल के कर, मैं इसका संकट उठाऊंगी और अपने पूरे रूप में खेल इसके साथ। साथे दरबार की बस 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 सुख शांति से आमा, शरीर ठीक रख इसका, इसके बच्चे को ठीक रख, तेरी चौकी दिलवा दूंगी पर बच्चे को शरीर ठीक कर, ये स्वस्थ रहे इसका कुछ ना हो, तू खेले तो पता भी ना चलेगी तू इस पे आई थी, शरीर ठीक रख इसका मामाई, ये भी तो बच्चा तुझे खिलाएगा अपने चीज पे। शांत हो मां, बेटा मामा ये आगे संकट खड़ा है, संकट आ से तेरे घर में गया, मेरे दरबार में आ गया तो मेरा ही है, सिर्फ माँ जाएगी शुभ, शरीर खराब नहीं होने दूंगी, खेलेगी शुद्ध रूप में खेलेगी जैसे अब मैं बैठी हूँ खेल के माँ से, सही बैठी हूँ तो सुनिए शरीर पर, ऐसे ही अंदर बैठ के बोलेगी शरीर पर मार नहीं करेगी। और माँ तेरा बच्चा चाहिए था तुझे, तेरा बच्चा छुड़वा दूंगी साल में एक बार, पर इसको स्वस्थ रख और इसके दरबार अगर चलवाओ तो दरबार के चक्कर दूर दूर तक करवाइये, और सच्चा दरबार जी कम खा लियो, कम पहरा लियो और कम ही बता दियो लेकिन सच्चा बता, झूठ ना बोलना माँ, झूठे ना गवाए तेरे भगत, सच्चे वचन दे लगे जब भी आए। बेटा चौकी पे चलेगी, चौकी की माँ है बेटा, सुन मैं तुमको बता दू, चौकी की मामा ये चौकी लेगी हर हाल में, वो ठीक है चौकी ले, ठीक है हाँ चौकी लेगी
और चौकी लेने के बाद ये भी मैं सोचना कोई भगत आ गया तो भला क्यों करा, अरे किसी का आपके दरबार से भला हो रहा है। अच्छी बात है। और देखो जगत का क्या है बच्चे, भगवान ने पांच प्रकार के उंगलियां बनाई हैं, पांचों एक साथ क्यों नहीं बनाई है, पांच ही तत्व बनाए हमारे अंदर, छठा तत्व क्यों नहीं बनाया, हर एक चीज पांच पांच सात सात दी है भगवान ने जीवन में, दिन हमें सात दिए हैं, आठवां दिन हमारे जीवन में नहीं है। तो ये ऊंचे नीचे किस लिए बनाए, दिन भी तो ऊंचे नीचे बनाए, हाथ भी ऊंचे नीचे बनाए, तत्व भी ऊंचे नीचे बनाए, क्योंकि इंसान भी इतने ही प्रकार का है संसार में, अच्छा कहनिया है बुरा कहनिया भी है, कोई ढोंग भी बताएगा कोई माँ भी बताएगा, ठीक है, लेकिन किसी की नहीं सुननी है। सिर्फ कहते हैं जब माँ कहती है जब मैंने तेरा हाथ पकड़ लिया है तो तूने जगत से क्या लेना है, तू मुझसे लेना जो लेना है, जगत तो कहने के लिए बनाया है कहेगा, बोलने के लिए बनाया बोलेगा, लेकिन तू मुझसे लेना जो तुझे लेना है मैं दूंगी। तो एक बार माँ का हाथ पकड़ लिया तो माँ की साइड देखना, बुरे की साइड तो बिल्कुल मत देखना, कोई बुरा भी बोले ना उनका कोई बात नहीं, जगत जननी उसका भी भला करेगी, ठीक है। पर ये मैं सोचना कि चार दिन कोई किसी ने बुरा कह दिया तो हमने काम छुपा दिया, नहीं, ये चौकी नहीं छूटेगी, चौकी चलेगी शुद्ध चलेगी, दुर्गा और माँ काली के रूप में चलेगी, दुर्गा के रूप में तुम्हारी नगर कोटवाली और काली के रूप में तुम्हारी जो ऊपर है वो है, और दूसरी नगर कोट के पीछे भी माँ काली बैठी है, वो दोनों जोड़े में आएंगे, बढ़िया शक्ति है, बढ़िया, बहुत बढ़िया, आज तक इस शक्ति ने तेरे घर में नुकसान नहीं करा है, सिर्फ इसके शरीर को नुकसान करा, और वो भी शक्ति ने नहीं करा, किसी भगत के सामने खुली थी उस भगत ने अपनी गलती चीज छोड़ दी इसके साथ, जिससे इसका शरीर जब से गंदे सपने आना, गंदा सब कुछ होना, इसके साथ कार्य गंदे होने, सपनों में जो गंदे कार्य हो रहे उससे इस बच्चे का शरीर घट रहा, वो रोक दिया जाए, उसको सपने भी आएंगे तो माँ के आएंगे, बाकी कोई सपना नहीं। हम तो मानते हैं बचपन से इसी को मानते हैं, तो खूब दिया मेरे से ये बोली आपके कि मैंने खूब दिया, झोलियां भर भर के दिया, आपको भी दे रखा, बच्चों को भी दे रखा, आपके बच्चे को ऐसे भी कुछ ऐसे भी नहीं है, पूरी कृपा उसकी लग गया, आप भी काम करते, कृपा उसकी, कृपा मगर इसी का भाई शरीर नहीं है, इसका शरीर मैंने क्या कहा, ये जो शुरू में खुली जब इसके साथ गंदी चीज छोड़ी, तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज चलती है माँ के साथ हमेशा, तो वो चीज है इसके साथ, दोनों चीज चल रही है, पॉजिटिव भी आपके सामने नेगेटिव भी आ जाती है सामने, पॉजिटिव भी आ जाती है नेगेटिव भी आ जाती है। अब वो जो गलत चीज है उसको आज से मैंने क्या कहा, मेरा दरबार में, मेरी माँ की सेवा में, मेरी माँ के चरणों में रहेगा, सिर्फ मामा ही जाएगी शुद्ध होके, और मामा ही जाएगी, जब भी मुझे गुरु धारण करे या ना करे लेकिन रास्ता इसको अच्छा ही दिखा, बिल्कुल साफ सुथरा रास्ता, गद्दी तो जब ही चलेगी अच्छी, जब गुरु धारण करवाऊंगी स्वाद कर पाऊंगी, लेकिन किसी का संकट काटेगी फिर परेशानी हुई, हम तो खड़े हैं संकट काटने के लिए, हम तो ऐसे भी भला करते हैं लोगों को, वो आप आपके राज्य किसी का भी कर देगी, वो इसके शरीर पे आएगा सीधा, क्योंकि संकट कहाँ जाएगा, जिसको मैंने आज किसी की बुझा दे दी, इस भगत ने किसी की बुझा दे दी, बुझा देते टाइम भी जब हम किसी की बुझा निकाल लेते उसकी चीज तुरंत ही आती है अंदर, क्यों कि ये मेरे को क्यों बता रहा है, क्यों तकलीफ दे रहा है, तो उससे हमें बचाव के लिए भी तो कुछ हमें कवच चाहिए, वो गुरु कवच होता है, वो गुरु कवच होता है, वो तो इसका दिल मांगेगा ना, दिल से कहेगी, अरे तो बहुत दिनों से बोल रही है तो मैंने जब सिर पे हाथ रख दिया तो मेरी शिष्य गुरु माँ के पास जाना, गुरु माँ के पास जाना, ठीक है, आज से जब शिष्य पे हाथ ही रख दिया मामा ही ने तो ये मेरी चेली है, कहीं नहीं भटकने दूंगी, अगर श्रद्धा से अपनी माँ को पकड़े रखेगी माँ कहीं नहीं भटकने दूंगी, श्रद्धा तो बहुत है इसमें, तो बस, तो फिर अब तक इसको भटकने भी नहीं दिया, चाहे कहीं भी गई हो भटकने नहीं दिया, खिला खिला के मारा है बेटा, संकट साथ में चला दिया, संकट साथ चल गया तो खेल रही है, तो ना पता माँ खेल रही है कि संकट खेल रहा है, सेवा बहुत करती है, अब माँ आएगी तो शरीर खराब नहीं करती, मामा ही करती, संकट आएगा शरीर खराब करेगा, आज से संकट माँ का और मामा ही तेरी, खुशियां तेरी, बोल सच्चे दरबार है कि बिल्कुल मिलेगा बच्चा, ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि जब तू आई है ना दरबार में तो मामा ही तुझे देके ही भेजेगी कुछ ना कुछ, तू भी कुछ बात चलेगा लगी,
बुला दे कुछ आ रहा है बोले के फिर मान फिर तो तेरी बीमारी आने लगी है जय हो माँ के पाकर बच्चे पे और शुद्ध रूप में चलो माँ बोल साचे दरबार है की जय जोड़ी टाइप वही मधु वाला काम छोड़ दे तू सन भी तू सीख खुश रहे सदा सुखी रहे सदा सुहागन रहे खुश रहे सारे संकट मामाई के खुशियां तेरी